हाय फ्रेंड्स कैसे हैं आप सब लोग आप देख रहे हैं लीगल अफेयर्स और आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं राइट्स ऑफ पर्सन ऑन अरेस्ट कि जब वे, किसी व्यक्ति को अरेस्ट किया जाएगा गिरफ्तार किया जाएगा तो उसके क्या अधिकार होंगे ये आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं तो अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और आप इस वीडियो को अंत तक देखेगा ताकि आप इन राइट्स को पूरी तरीके से समझ सकें सबसे पहले जो राइट आता है वो आर्टिकल ट्वेंटी वन में है आर्टिकल ट्वेंटी वन ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन सेज दैट एवरी वन हैज़ राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल ट्वेंटी वन कहता है कि हर व्यक्ति के पास जीने का अधिकार है इसमें एक केस था खड़ग सिंह वर्स स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश ए आई आर नाइनटीन सिक्सटी थ्री एस सी वन टू नाइन फाइव इन दिस केस सुप्रीम कोर्ट साइड दैट द मीनिंग ऑफ राइट ऑफ लाइफ इज नॉट टू लिव लाइक एन एनिमल बट टू लिव विध डिग्निटी इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि जीने का अधिकार का मतलब सिर्फ यही नहीं है कि हम जानवरों की तरह जियें बल्कि हम एक डिग्निटी के साथ एक इज्जत वाली जिंदगी जिये और जो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शन विच आर गिवन अंडर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आर इज फॉलोज अंडर आर्टिकल ट्वेंटी कॉन्स्टिट्यूशन इट हैज बीन प्रोवाइडेड दैट फर्स्ट एनी पर्सन हु हैज़ बिन अरेस्टेड विल नॉट बी कैप्ट इन कस्टडी अनलेस ही हैज़ बीन टोल्ड द रीज़न ऑफ अरेस्ट इसमें यह कहा गया है कि जब किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार तब तक नहीं किया जाएगा और उसे कस्टडी में नहीं रखा जाएगा जब तक कि उसको उसकी गिरफ्तारी का कारण नहीं बता दिया जाता है सेकेंड एनी पर्सन हु हैज़ बिन अरेस्टेड विल भी प्रोड्यूज बिफोर द मजिस्ट्रेट विद इन द ट्वेंटी फोर आवर्स फ्रॉम द टाइम ऑफ अरेस्ट कि किसी भी व्यक्ति को जिसे भी गिरफ्तार किया गया है उसे चौबीस घंटे के अंदर अंदर किसी भी मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना होगा दस अ पर्सन अरेस्टेड हैज़ द फॉलोइंग राइट अंडर आर्टिकल ट्वेंटी वन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन और जितने भी इसके अलावा जो अधिकार हैं वो हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल ट्वेंटी टू में दिए हुए हैं जिनमें से पहला है राइट टू नो द दज ऑफ अरेस्ट कि अरेस्ट करने का क्या कारण है ये जानना हमारा यानी जिसको भी गिरफ्तार किया जाता है उसका कॉन्स्टिट्यूशनल राइट right है द फर्स्ट राइट ऑफ अरेस्टेड पर्सन इज टू नो अबाउट द कोज ऑफ अरेस्ट कि उसे उसका कारण बताया जाए कि उसे क्यों गिरफ्तार किया जा रहा है केस है इसमें एक ताराचंद वर्सिज स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल ए आई आर नाइनटीन फिफ्टी वन एस सी वन सेवन फोर इन दिस केस सुप्रीम कोर्ट सेट दैट द राइट टू नो द कोज ऑफ अरेस्ट स्टिल आफ्टर द रिलीज ऑफ अरेस्टेड पर्सन फ्रॉम द जेल की जो राइट टू अरेस्ट है कि नो द रीज़न ऑफ अरेस्ट वो राइट right जब तक बना रहेगा चाहे उसको बेल पर रिलीज भी किया जा चुका हो सेकंड जो राइट right है वो है राइट टू हायर एन एडवोकेट राइट टू हायर एन एडवोकेट इज़ अ कॉन्स्टिट्यूशनल राइट विच इज़ अवेलेबल फॉर अरेस्टेड पर्सन टू डिफेंड हिमसेर्फ जो राइट टू हायर एन एडवोकेट है वो उस अरेस्टेड पर्सन को अपने आप को डिफेंड करने के लिए दिया जाएगा थर्ड राइट इज प्रोटेक्शन बिफोर द मजिस्ट्रेट विद इन ट्वेंटी फोर आवर्स इट इज़ एन ओब्लीगेशन ऑन पुलिस टू प्रोड्यूस द अरेस्टेड पर्सन बिफोर द नियरेस्ट मजस्ट्रेट विद इन ट्वेंटी फोर आवर्स यह उसका राइट भी है उस अरेस्टेड पर्सन का और यह ओब्लीगेशन यानी दायित्व है कर्तव्य है उस पुलिस ऑफिसर का जिन्होंने उसको अरेस्ट किया है कि वो चौबीस घंटे के अंदर अंदर वो उसे किसी भी मजिस्ट्रेट के सामने पेश करेंगे सेक्शन फिफ्टी सेवन ऑफ सी आर पी सी ऑल्सो प्रोवाइड्स फॉर दिस यानी कि ये राइट सिर्फ हमें इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं मिलता है बल्कि इसके अलावा हमें राइट सी में भी प्रोवाइड किया गया है फोर्थ राइट इज राइट टू गेट मेडिकली एग्जाम अंडर सेक्शन फिफ्टी फोर ऑफ़ द सी आर पी सी नाइनटीन सेवेंटी थ्री द अरेस्टेड पर्सन हैज़ द राइट टू गेट हिमसेल्फ मेडिकली एग्जाम ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ डिटेंशन टू प्रूव तो इसमें फोर्थ राइट right जो है सेक्शन फिफ्टी फोर में कहा है सी आर पी सी में कि अगर किसी भी पर्सन को अरेस्ट किया गया है तो उसके पास Uh, ये राइट right है कि उस वो अपनी मेडिकल एग्जामिन करा सकता है उस पीरियड में जब उसको डिटेंशन में रखा गया है फिफ्थ राइट टू गेट रिलीज ऑन बेल द अरेस्टेड पर्सन हैज द राइट टू गेट रिलीज ऑन बेल इफ कि जो जिस भी पर्सन को अरेस्ट किया गया है उसके पास राइट right है कि उसे बेल मिलनी चाहिए इफ़ अरेस्टेड पर्सन इज़ अरेस्टेड अपॉन अ चार्ज ऑफ बेलेबल ऑफेंस अगर वह बेलेबल ऑफेंस में यानी जिस भी अपराध में उसे बेल मिल सकती है अगर वह ऐसे अपराध में आ, अरेस्ट हुआ है देन ही हैज़ राइट टू गेट बेल अंडर सेक्शन फोर थर्टी सिक्स ऑफ द सी आर पी सी तो उसे सेक्शन फोर थर्टी सिक्स जो है सी आर पी सी उसके अंडर बेल मिलेगी एंड इफ़ द देंस इफ़ द ऑफेंस इज़ नॉन बेलेबल अगर अपराध जो है गैर जमानती है देन ही कैन प्रे फॉर बेल अंडर सेक्शन फोर थर्टी सेवन ऑफ द सी आर पी सी तब वो सेक्शन फोर फोर थर्टी सेवन के अंडर कोर्ट से प्रे कर सकता है एंड द दिक्स राइट इज राइट टू गेट राइट टू गेट फ्री लीगल ऐड कि जिस भी पर्सन को अरेस्ट किया गया है उसे फ्री लीगल ऐड दी जाएगी इसमें क्या क्या इंक्लूड होते हैं इट हैज़ बिन प्रोवाइडेड अंडर आर्टिकल थर्टी नाइन ए ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन दैट एनी पर्सन विल नॉट बी डिप्राइव ऑफ जस्टिस ड्यू टू लैक ऑफ मनी और एनी अदर डेबिलिटी इसमें हमारे आर्टिकल थर्टी नाइन ए में कहा गया है कि, कि किसी भी पर्सन को जस्टिस से वो नहीं किया जाएगा डिप्राइव नहीं किया जाएगा सिर्फ किन बेसिस पे कि उसके पास मनी नहीं है या कोई दूसरी डिसेबिलिटी है तो बहुत सारे लोग हमारे कंट्री में ऐसे हैं पुअर पीपल भी हैं तो वो एडवोकेट्स को हायर नहीं कर, कर पाते हैं इसलिए ये राइट उसे हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने प्रोवाइड किया है द सेम थिंग इज गिवन अंडर सेक्शन थ्री हंड्रेड फोर ऑफ द सी आर पी सी सेम बात जो है ये सी आर पी सी के सेक्शन थ्री हंड्रेड फोर में भी कही गई है केस शेज में एम एच शोकत वर्सेज स्टेट ऑफ महाराष्ट्र ए आई आर नाइनटीन सेवेंटी एट एस सी वन फाइव फोर एट सुप्रीम कोर्ट सेट दैट टू प्रोवाइड लीगल एड इज़ द ड्यूटी ऑफ द स्टेट नोट द मर्सी कि जो भी आप किसी को फ्री लीगल ऐड प्रोवाइड करा रहे हो तो इस्टेट यह ना माने कि वो उस पर कोई रहम कर रहा है मर्सी कर रहा है नहीं ये स्टेट की ड्यूटी बनती है कि ये उसे फ्री लीगल एड प्रोवाइड कराएंगे एंड द सेवेंथ एंड द लास्ट राइट ऑफ द पर्सन इज प्रोटेक्शन अगेंस्ट इनह्यूमन बिहेवियर यानी ऐसा व्यवहार उसके साथ नहीं किया जाएगा जो अमानवीय व्यवहार है वो किसी भी व्यक्ति के साथ अरेस्टेड पर्सन के साथ नहीं किया जाएगा द राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी इज कन्फर्ड अपन एन इंडिविजुअल अंडर आर्टिकल ट्वेंटी वन इसका जो रेफरेंस में हमें मिलता है अंडर आर्टिकल ट्वेंटी वन से मिलता है कि हर व्यक्ति को अपना जीवन जीने का अधिकार है जिसमें उसे जानवर की तरह नहीं जबकि एक फ्रीली एक इंसान की तरह जीने का अधिकार है देर फॉर द अरेस्टेड पर्सन हैज द फॉलोइंग राइट्स इसलिए जो अरेस्टेड पर्सन है उनके पास कुछ और राइट्स हैं ए ही शुड शुड नॉट नॉट बी बी इन ह्यूमनली एंड टॉर्चर्ड कि उसके साथ अमानवीय व्यवहार नहीं किया जाएगा और उसे टॉर्चर नहीं किया जाएगा कि वो अपने खिलाफ ही बयान दे बी ही शुड नॉट बी पुट अंडर अननेसेसरी आयरन चेन्स इन हैंड एंड फिट्स इसमें ये है कि उसे बेवजह उसके हाथों में और पैरों में कड़ियां नहीं बांधी जाएंगी इसे कहा गया था सुनील बत्रा वर्सेस दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन ए आई आर नाइनटीन सेवनटी एट सुप्रीम कोर्ट का केस है वन सिक्स सेवन फाइव इस केस में ये कहा गया था और कुछ और बातें भी इस केस में कही गई थी वो ये थी ही शुड नॉट बी पुट अलोन अननेसेसरीली कि उसे बेवजह अलग नहीं रखा जाएगा जबकि सभी जो ओ, ऑफेंडर्स हैं एक्यूज हैं उनके साथ रखा जाएगा एंड द लास्ट राइट इट ही शुड नॉट बी पुट इन फियर ऑफ इन फार ऑफ प्रिजन यानी कि उसे प्रिजन से दूर नहीं रखा जाएगा तो मैं आशा करता हूँ आपको सभी राइट्स जो हैं एक अक्यूज़ की एक अरेस्टेड पर्सन के वो पता चल गए होंगे तो आप कोई हमारी वीडियो कैसी लगी आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट कीजिए और आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को उनके राइट्स पता हो सके कि अरेस्ट होने पर किसी भी पर्सन के पास क्या राइट्स हैं और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए थैंक यू